यवतमाल जिला भारत देश के महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। जिले का मुख्यालय यवतमाल शहर में मौजूद है। यवतमाल जिला अमरावती डिवीजन के अंतर्गत आता है। यवतमाल जिला में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, इसलिए यह जिला महाराष्ट्र में कपास का एक केंद्र बन चुका है। यवतमाल जिला अपने तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यवतमाल जिला महाराष्ट्र राज्य के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिला की सीमा तेलंगाना राज्य से मिलती है। यवतमाल जिला का गाड़ी नंबर MH 29 है। दोस्तों, सड़क पर दौड़ती गाड़ी के नंबर प्लेट पर MH 29 लिखा देख ले तो आप यह समझ जाइएगा कि हम यवतमाल शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यवतमाल जिला अपनी सीमाएं कई अन्य जिलाओं से भी साझा करता है, जिसमें उत्तर दिशा की ओर अमरावती जिला, उत्तर पूर्व दिशा की ओर वर्धा जिला, पूर्व दिशा की ओर चंद्रपुर जिला, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर तेलंगाना का आदिलाबाद जिला, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर नांदेड़ जिला, पश्चिम दिशा की ओर हिंगोली जिला और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर वसीम जिला से घिरा हुआ है। यवतमाल जिला में 16 तहसील, 7 ब्लॉक, 1 लोकसभा व 7 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लगभग 13,605 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिला की कुल आबादी 27,75,000 से भी ऊपर है। इस जिला का औसत लिंगा अनुपात 947 है, यानी कि दोस्तों आबादी के अनुसार यहाँ पर प्रतिवर्ष 1,000 पुरुष पर 947 महिला जन्म लेती है। इस जिला का मुख्य नदी निरगुड़ा नदी और वाग्धी नदी है। निरगुड़ा और वाग्धी नदी के तट पर बसा यवतमाल जिला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से महज 667 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1215 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। पहला सड़क मार्ग, यह जिला सड़क मार्ग से यवतमाल और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 40 और नेशनल हाईवे संख्या 160 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। दूसरा रेल मार्ग, यह जिला रेल मार्ग से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम यवतमाल रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन इन जिलावासियों को रेल मुहैया प्रदान कराता है। इस जिला का साक्षरता दर 80% के करीब है, यानी कि दोस्तों आबादी के अनुसार यहाँ के लोग 80% पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों लोग शामिल है। इस जिला में कुछ स्कूल और कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: पोदार इंटरनेशनल विद्यालय, मिलेनियम इंटरनेशनल विद्यालय, रामाबाई गर्ल्स हाई विद्यालय, शीला देवी बोरा पब्लिक विद्यालय, अंजुमन उर्दू हाई विद्यालय। यह सभी स्कूल व कॉलेज स्थित हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी अच्छा है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। वैसे दोस्तों, इस ज़िला में लाखों की तादाद में हर वर्ष यहाँ पर सैलानियाँ आते रहते हैं। इस ज़िला में कुछ पर्यटन स्थलों के नाम इस प्रकार है:
तिपेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतामढ़ी गणपति मंदिर, महादेव मंदिर, लोअर पुश डैम, यह पर्यटन स्थल इस ज़िला में स्थित है और दोस्तों जिसे देखने के लिए लाखों के तादाद में सैलानियाँ हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। वैसे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।